इस वक्त हमारे साथ वो शख्स है, बीजेपी का वो चेहरा है जो पूरे लोकसभा चुनाव में दिन देखा नहीं रात लगे रहे पूरे कर्मठ कार्यकर्ता की तरह। मैं बात कर रही हूँ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी से। तरुण जी, हमने आपको देखा लगातार किस तरीके से आप एकदम तन के दिन रात पार्टी के लिए लगे रहे। अब जबकि रुझान आ रहे हैं, क्या लग रहा है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कठोर मेहनत की है और हमें एक विशाल नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में मिला है और जिसका जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता का आशीर्वाद मोदी जी की नीतियों के साथ है, जनता का आशीर्वाद मोदी जी की सोच के साथ है, जनता का आशीर्वाद मोदी जी के संकल्पों के साथ मिला है और निश्चित रूप से जो अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन ये रुझान बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए काम करने वाली, देश की चमक दमक बढ़ाने वाली सरकार बनने जा रही है। हम देख रहे हैं कि अमित शाह जी की सीट पे देखे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, तीनों ने बढ़त बना रखी है। तो लेकिन इस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, तब विपक्षी दलों ने एक बार फिर से जो है वो निशाना साधना शुरू। ऐसा है कि जो खुद पिट गए हैं, अभी भी अहंकार बाकी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। खासतौर से जम्मू कश्मीर को मैं पूछूंगी, जम्मू कश्मीर को और पंजाब को लेकर के क्या लग रहा है? पंजाब, जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए ट्रेंड बिल्कुल स्पष्ट है। दो खानदान जिन्होंने जम्मू कश्मीर की बर्बादी की दास्तान लिखी थी, मुफ्ती खानदान और अब्दुल्ला खानदान, दोनों पीछे चल रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ तरुण चुग जो बता रहे थे कि अभी जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उस पर ये लग रहा है कि बीजेपी ने जो जिस तरीके के दावे कर रही थी उस पर वो खरी उतरेगी। और वहीं जम्मू कश्मीर जो है, जिसके प्रभारी भी के तौर पर उन्होंने वहाँ को देखा और वहाँ के का लोकसभा चुनाव जो है पूरी नज़र रखी, उनका कहना है कि इस बार जो दो बड़े खानदान रहे वहाँ पर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करे या पीडीपी की बात करे, दोनों इस बार चारों खानी छित दिखाई देगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कोमल शर्मा।